नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट की और कैपिटल फॉर्मेशन की। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। और कई बार आप देखते हैं कि हम इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन शब्द ज्यादा यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा शब्द कैपिटल फॉर्मेशन का यूज होता है। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन से डिफरेंट कैसे हो जाता है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। आइए दोस्तों, हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने ये भी सुना होगा कि मैंने बॉन्ड परचेज किया है। कई बार इन्वेस्टमेंट को आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जोड़ के देखते हैं, लेकिन शेयर खरीदने से, बॉन्ड खरीदने से, डिवेंचर खरीदने से आप देखेंगे ओनरशिप ट्रांसफर तो होता है, लेकिन इकोनॉमी में डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कोई कैपिटल असेट्स बनाए नहीं जाते, इसलिए इसे रियल इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है, इसलिए इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई ऐसा चीज जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इकोनॉमी में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया जाए जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, इकोनॉमी ज्यादा उत्पादक हो जाए, इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो, मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स बढ़े जिससे इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े। तो इकोनॉमी में अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाया जाए, इकोनॉमी की इनकम जनरेशन पावर को अगर बढ़ाया जाए, इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को अगर प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स को हम इंप्रूव करें तो आप उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है सीधा सीधा वो एक्टिविटी जो इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनकम जनरेशन पावर को इन्हांस कर दे। तो ऐसे में व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट क्या हो सकते हैं जो इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को सीधे बढ़ा दे, इकोनॉमी की इनकम जनरेशन पावर को बढ़ा दे, या हम ज्यादा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने योग्य हो जाए। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट होते हैं जो बड़े कंपोनेंट है, आइए उसको हम अच्छे से समझते हैं। पहला जो इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है वो है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में क्या हुआ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और तीसरा है इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये जो तीन इसके पार्ट है, कंपोनेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन्वेस्टमेंट के सारे कंपोनेंट को हम सीखते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बताया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जब हम किसी बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो हमको दो तरह के रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसमें हम मशीनरी इक्विपमेंट्स टूल्स कोई फॉर्म्स लगाते हैं, तो एक हमको फिक्स्ड पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने की रिसोर्स लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जूते का बिजनेस करना चाहता हूं, अब ना जाने क्यों इकोनॉमिक्स में जूते का एग्जांपल बहुत दिया जाता है, तो मैं एक मशीन लगाऊंगा। अब मैं मशीन लगाऊंगा तो वो एक मुश्त होगा, वो एक पूरा मशीन मुझे परचेज करनी पड़ेगी, और वो 25 लाख की है तो 25 लाख की मैं मशीन परचेज करूंगा। चाहे मैं जूते का प्रोडक्शन 50 करूं या फिर 500 करूं, वो मुझे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ेगा, फिक्स्ड रिसोर्स लगाना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन से सीधे सीधे वेरिएबल नहीं है, उसको आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ऐसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को सबसे बड़ा हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहते हैं, जिसमें हम मशीनरी इक्विपमेंट्स टूल्स को रखते हैं। मतलब मशीन है, उपकरण है, संयंत्र है, उद्योग फॉर्म्स है, इसमें इसके अंतर्गत इसको हम रख रहे हैं। कुल मिलाजुला के बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह होता है क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं का सृजन। अब एक प्रश्न कई बार आप देखें कि कंपटीशन में पूछा जाता है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, जब हम प्रोडक्शन प्रोसीजर में होते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक चीज वो होती है जो प्रोडक्शन प्रोसीजर में यूज होती है और अपना रूप बदल लेती है, लाइक एग्जाम्पल उसे हम रॉ मेटेरियल कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरा जो है टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो मैंने कॉटन मंगाया और कॉटन को थ्रेड में और फिर क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया। तो एक जो है हमारा इस तरह का इनपुट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ
और अपना रूप बदल लिया। इसको दोस्तों हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं जिसमें प्रोसेसिंग होनी है, लेकिन एक दूसरा भी चीज है जो कि प्रोडक्शन प्रोसीजर में यूज होता है, वो है मशीन इक्विपमेंट टूल्स। ये प्रोडक्शन तो करता है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में ना तो रूप बदलता है ना ही कंज्यूम्ड होता है। यद्यपि जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन प्रोसीजर में यूज तो होता है, कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उससे नई चीजें बन जाती हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स हैं दोस्तों जो प्रोडक्शन प्रोसीजर में यूज हो लेकिन वो फिनिश्ड नहीं हो, कंज्यूम्ड नहीं हो, अपना रूप न बदले, इसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। अगर इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स बन रहा है तो आप समझिए कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमी में मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, डिफरेंट टाइप्स के आपने जो है फॉर्म्स लगाए हैं, डिफरेंट टाइप की मशीनरी परचेज की है, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हांस करती है, इकोनॉमी की इनकम जनरेशन पावर को बढ़ा देती है। तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट या कंपोनेंट आप कहिए वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है या फिर क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल गुड्स वो होता है जो प्रोडक्शन प्रोसीजर में फिनिश नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है, रूप परिवर्तित नहीं करता है, यद्यपि वो प्रोडक्शन प्रोसीजर में पूरी तरह से पार्टिसिपेटरी होता है। तो अगर इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स बढ़ रहा है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का, वो है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। चाहे आप नए घर को बनाए, चाहे अपार्टमेंट को बनाए, चाहे आप गोडाउन बनवा लो, इस तरह की कोई भी चीज जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हो, जैसे कि आप देखते हैं अपार्टमेंट बनता है और वहां पार्किंग के लिए अलग से जो है सिस्टम बना हुआ है, तो ये सारी चीजें अगर आप बनवाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के इनकम जनरेशन पावर से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी में इनकम जनरेट करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम देगा। जब आप अपने घर को बनवाते हैं, दुकान को बनवाते हो या फिर रेजिडेंशियल हाउसेज को आप बनवा रहे होते हो, तो इससे कहीं ना कहीं आप देखते हो कि सीधे सीधे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कि चाहे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाए या फिर पब्लिक कंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट के पार्ट होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पे। अगर हम पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें या फिर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की बात करें, बोथ आर इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो चीजें जुड़ेंगी, निवेश में दो चीजें आएंगी, एक तो पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क, लिख लीजिएगा पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क, सार्वजनिक निर्माण काम या फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क, निजी निर्माण कार्य। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, दिस इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनवा रही है, एक्सप्रेसवे बनवा रही है, गुडाउन बनवा रही है, वेयर हाउसिंग, दिस इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगी, इनकम जनरेशन पावर को बढ़ाएगी। अगर मान लो कि आप जो है लखनऊ से लेकर आगरा तक अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है, आगरा एक्सप्रेसवे या फिर जो है यमुना एक्सप्रेसवे आगे दिल्ली तक आप बनाते हो, तो ये इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को, इनकम जनरेशन पावर को, मोबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। अगर गवर्नमेंट जो है फ्लाईओवर बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे भी टाइम कम लगेगा, हमारा सर्विसेज का जो है स्मूथ होगा, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, टाइमिंग हमको कम लगेगी। तो चाहे हम पब्लिक कंस्ट्रक्शंस को हम कहें, चाहे ब्रिज के रूप में, ओवर ब्रिज के रूप में गवर्नमेंट बनवा दे, फुटपाथ बनवा दे, सड़कें बनवा दे, नेशनल हाईवे बनवा दे, एक्सप्रेस वे बनवा दे, ये सारा इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट जो है मेगा पावर प्रोजेक्ट बनवा दे, ये भी जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज डैम बनवाए, ये भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये सब इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसी तरह अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क बनवाए कि हम अपना घर बनवाए, दुकान बनवाए, कोई मॉल बने, दिस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे भी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहांस होगी, इनकम जनरेशन पावर बढ़ेगी। तो दोस्तों हमने पहला माना बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जिसमें न्यू हाउसेज आ गए, अपार्टमेंट्स आ गए, बिल्डिंग आए, चाहे उसमें आप पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क को आप जोड़ लो, चाहे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, बोथ आर इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो किन्स ने एस्टेब्लिश किया था कि इन्वेंटरीज में जो चेंज हो रहा है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए इसको। किन्स का मानना था कि इन्वेंटरीज में जो चेंज है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब व्हाट इज इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज क्या होती है, जैसे रॉ मटेरियल है या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स है, हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन को स्मूथ बनाए रखें। आप जानते हैं कि मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट कभी जो है बूम पे होता है, कभी बस्ट हो जाता है,
जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल का सेमी फिनिश्ड गुड्स का एक स्टॉक रखता है ताकि हम स्मूथ कर सके प्रोडक्शन प्रोसीजर को। तो जो ये इन्वेंट्रीज है रॉ मटेरियल का सेमी फिनिश्ड गुड्स का जो प्रोडक्शन में यूज होगा, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा, कई बार कंपटीशन ये पूछ दिया जाता है। तो इन्वेंट्रीज का जो स्टॉक है दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या? नंबर वन बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोगों ने कैपिटल गुड्स कहा कि अगर इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स जनरेट हो रहे हैं तो सबसे तेजी से इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहांस होगी। इसके अतिरिक्त अगर रेजिडेंशियल हम काम कर लें या फिर पब्लिक या फिर गवर्नमेंट पब्लिक या फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेंट्रीज बढ़े इकोनॉमी में तो वो भी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब एक चीज यहां पे ये है कैपिटल फॉर्मेशन से पहले कि कैपिटल क्या होता है, आप इसको समझिए। देखिए, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में क्या फर्क होता है। देखो, जो ये इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों और जो कैपिटल है, दोनों का जो कंपोनेंट है ना वो एक ही है। चाहे मैं इसे कैपिटल कह दूं चाहे मैं इन्वेस्टमेंट कह दूं, ये दोनों के जो कंपोनेंट है ना वो एक ही होते हैं। मतलब चाहे आप बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करिए, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, ये कैपिटल के भी पार्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के भी पार्ट होते हैं। तो दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है, सिर्फ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जो अंतर है वो मेजरमेंट का अंतर है। अंतर है वो सिर्फ मेजर करने का अंतर है, मापने का अंतर है। मेजरमेंट का अंतर का क्या मतलब है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमेशा एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। कैपिटल वहीं पे एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया था कि जो वेरिएबल है इकोनॉमिक वेरिएबल, वो दो तरह के होते हैं। एक को आप क्या कहते हैं स्टॉक वेरिएबल और दूसरे को आप कहते हैं फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसे एक पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर करें, जिसे हम एक फाइनेंशियल ईयर में मेजर करें। एक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, एक वित्तीय वर्ष में मेजर करें। और स्टॉक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है जिसे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करें। कैपिटल हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जिसे पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करेंगे। देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लो इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होगा, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा, फिक्स्ड इन्वेंट्रीज होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, उसको आप इन्वेस्टमेंट कहोगे। लेकिन यही चीजें 2016-17 में अगर हुई होंगी दैट्स आर कैपिटल, आज के डेट में वो कैपिटल हो जाएंगी। लाइक एग्जांपल में क्या कहना चाहता हूं, आइए आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक कार खरीदी इसी फाइनेंशियल ईयर में और उसे आप उबर में डाल दिए जिससे कि वो सर्विस देगा, तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, क्योंकि वो आपकी इनकम जनरेशन पावर बढ़ाएगा और आपके इनकम जनरेशन पावर के साथ साथ राष्ट्र की भी, नेशन की भी इनकम जनरेशन पावर बढ़ जाएगी। तो अगर 2020-21 में आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उसे उबर या ओला में डालते हो तो वो जो है इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 2015-16 में किसी व्यक्ति ने एक गाड़ी खरीदा और उसे ओला उबर में यूज कर रहा है, तो क्या उसे आप इस वर्ष का इन्वेस्टमेंट मानोगे? नहीं, वो कैपिटल होगा। इकोनॉमी में जितनी भी मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स बनी है अब तक, जेएल नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, अब तक मनमोहन सिंह से लेके, दैट आर कैपिटल। वो कैपिटल है जिसे हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करें। तो ऐसे मशीन इक्विपमेंट टूल्स जो पहले से ही है और इसे हम आज के डेट में मेजर कर लें कि जो है आप बताओ कि 14 जनवरी 2021 को कितनी कैपिटल है, तो ये सारे कंपोनेंट को जो अब तक है सब हम मेजर करें, चाहे वो 2010 में बना हो, 2005 में बना हो, 1999 में, डज नॉट मैटर। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब मैं कहूंगा तो इसे मैं एक फाइनेंशियल ईयर में कहूंगा कि ये सारे कंपोनेंट इस वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है। तो जब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आप सिर्फ इतना बताइए कि देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, द डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन ओनली द मेजरिंग मेथड। इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, वेयर कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हम इन्वेस्टमेंट को एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक समय अवधि में, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में मेजर करते हैं, वहीं पर हम कैपिटल को एक समय बिंदु पर मेजर करते हैं। अब देखिए, शब्द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन पे हम बात जाए तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। फिर जो है मैं आपको कैपिटल फॉर्मेशन पे आता हूं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन कैपिटल, और चेंज इन कैपिटल को आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हो क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम का होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि इन कंपोनेंट में जो अभी हम चर्चा कर रहे थे उसमें चेंज कितना हुआ, डेल्टा के।
इसका मतलब कि 2020-21 माइनस के 2019-20। अगर हम देखें इस वर्ष और पिछले साल में जो पूंजी में अंतर कितना है, दैट इज डेल्टा के, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट भी कह देते हो कि डेल्टा के इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यही इन्वेस्टमेंट है जो कैपिटल में चेंज हुआ है, मतलब जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, या फिर जो इन्वेंट्रीज में चेंज हुआ है, इसी चेंज को आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो। लेकिन आप देखते हो कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन यूज होता है और अंतर किया जाता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में। अब क्या अंतर है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि इन्वेस्टमेंट में हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को नहीं जोड़ते। जैसे किसी ने शेयर में परचेज किया तो शेयर से डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। मैंने 500 का शेयर खरीदा, 600 में बेच दिया, तो मुझे बेनिफिट हुआ डायरेक्टली, इससे कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पे जब दोनों को मैं अलग अलग आपसे पूछा जाता है तो अंतर यह होता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं अपनी इनकम बढ़ा सकूं, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन का सीधा मतलब जो कैपिटल में वृद्धि लाए, कैपिटल गुड्स को बढ़ा दे। तो यहां पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को भी यहां पे इन्वेस्टमेंट में हम इंक्लूड कर लिए कि शेयर में भी इन्वेस्टमेंट मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने बांड में खरीद लिया वो भी इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन में जो सीधे सीधे कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ, जो पिछले साल मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स थी और आज के डेट में जो सीधे सीधे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगी, इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादा शब्द कैपिटल फॉर्मेशन का यूज होता है। इन्वेस्टमेंट में जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को भी लोग यहां कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे कैपिटल फॉर्मेट कर दे, उसमें शेयर बांड या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन उससे एक तरीके से बेहतर शब्द के रूप में आया कि यहां पे सीधे सीधे जो कैपिटल में चेंज हुआ है पिछले साल और इस साल, उसको जो है हम कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। तो चेंज इन कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सीधे सीधे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दे रहा है, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पावर को बढ़ा रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये तो चीजें होगी, बट हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी ऐसी भी चीजें इंक्लूड हो जो सीधे सीधे प्रोडक्शन कैपेसिटी को ना बढ़ाए, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। बाकी अगर आप टेक्निकली को छोड़ दो तो आई इज इक्वल टू डेल्टा के और ये कैपिटल फॉर्मेशन होगा जिसमें कोई अंतर नहीं किया जाता है। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरे को कहते हैं नेट कैपिटल फॉर्मेशन। जीएफडी, GCF ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको NCF नेट कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं, GFCF, और इसको नेट NFCF भी कह सकते हैं। देखो, जब हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स में हमेशा जो है टूट फूट छरण डिप्रिसिएशन होता है। अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन में उस डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट न करें, इकोनॉमी में जो भी एक साल में कैपिटल बढ़ा सिर्फ उसकी हम बात करें, तो जी एफ जो है आप कहेंगे इसे जी एफ सी एफ, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कैपिटल में जो कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड जो है इन्वेस्टमेंट है, उसको हम घटा दें, जो टूट फूट डिप्रिसिएशन हुआ है अगर उसको हम घटा दें, तो आप देखेंगे जो NCF होगा, NCF होगा वो GCF माइनस डिप्रेसिएशन, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा अगर उसमें से आप डिप्रेसिएशन को आप घटा दें तो जो है ये नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में आ जाएगा। तो कई बार आप देखेंगे जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये इकोनॉमी में, उससे भी एक इंपॉर्टेंट शब्द के रूप में आता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है NFCF, ये बेसिकली इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट बढ़ाता है। तो अगर कभी आपको कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्ट जो है क्या प्रभावित करेगा इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी को, तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा सही शब्द होगा, क्योंकि यहां जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है
उसमें डिप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया। आप जानते हैं कि जब भी मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स आदि में इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें क्षरण होगा। आपके घर में आप देखिए पापा परेशान रहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में हमेशा डिप्रिसिएशन होता है, कुछ ना कुछ चीजों को ऐड करना पड़ता है, कभी जो है पाइप टूट गया, कभी फैन खराब हो गया, कभी टैप टूट गया। तो अगर इकोनॉमी में करोड़ों अरबों का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे आप देखिए मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स आदि में कितने तरह का डिप्रिसिएशन होगा, कितना क्षरण होगा। तो अगर जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो एग्जैक्ट ये पता लगता है कि इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन एग्जैक्ट कितना होता है, उसको आप नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हो, बाकी जो है जीएफटी कहते हो। कई बार आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट को जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन सब लोग यूज करते हैं, या फिर जो है नेट इन्वेस्टमेंट को आप कहते हो, नेट इन्वेस्टमेंट को आप कहते हो यहां पे कैपिटल फॉर्मेशन, की जो नेट इन्वेस्टमेंट हुआ वो जो है कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में। तो बेसिकली अगर हम आपसे कहें कि देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन तो कोई गलत नहीं है, बट टेक्निकली लेवल पे आप जब जाओगे तो इन्वेस्टमेंट से बेहतर शब्द जो है कैपिटल फॉर्मेशन यूज होता है कि इकोनॉमी में जो एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी वृद्धि हो रही है वो सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी को कितनी इन्हांस हो रही है। इस टर्म में हम ज्यादा यूज करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के शब्द को, बाकी आई इज इक्वल टू डेल्टा के होता है, इन्वेस्टमेंट ही पूंजी में परिवर्तन होता है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं किया जाता है। तो बड़े जो है क्षमताओं को अपने निखारिए, आपका दिन तब अच्छा होता है कि जब आप कुछ नया सीखते हैं। जिस दिन आप कुछ नया न करें, जिस दिन कुछ आप नया न सीखें, वो समझिए कि टाइम उस दिन आपका चला गया, आपने उस दिन कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। तो आप प्रयास करिए कि प्रत्येक दिन आपके क्षमताओं में सुधार हो, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखे। अगर आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप निखर के सामने आएगी। आप कहते हैं ना कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको पॉजिटिव सकारात्मक काम करना पड़ता है, कुछ अच्छा करना पड़ता है, कुछ अच्छा पढ़ना पड़ता है, कुछ अच्छा नोट्स बनाना पड़ता है, कुछ अच्छा समझना होता है, कुछ अच्छा समझाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि चीजों को बहुत अच्छे से समझे तो आप चीजों को सुनिए बड़े मन से और उसको शेयर करिए किसी के साथ। जैसे आपने सीखा है आज कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपने सीखा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब होगा जब इस चीज को आप नोट्स बनाओगे, और साथ ही साथ उससे भी बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब होगा जब आप किसी के साथ इस बात को शेयर करोगे, क्लास करिए, सुनिए, समझिए और किसी को समझाइए, तो ये सबसे बेहतर होता है। तो कुछ अपने आप में ऐड करिए, रोज अपने आप को परिमार्जित करिए। किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है, बनना हमेशा एक प्रोसेस होता है, ये तो आपका जीवन बन रहा है, ये एक प्रोसेस है, ये टाइम लगेगा, इसमें आप परेशान मत होइए, टाइम लगेगा। टाइम लगता है बनाने में, बिगाड़ने में तो कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये तो जीवन बन रहा है आपका, जीवन निर्माण की प्रक्रिया, ये प्रोसेस ऑफ जो है लाइफ मेकिंग है, इसमें टाइम लगेगा। तो कभी भी घबराइए मत, चिंतित मत होइए, सिर्फ प्रत्येक दिन कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा नोट्स बनाइए और कुछ अच्छे विचारों को ग्रहण करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।